जी वेलकम बैक। सॉरी मुझे ख्याल नहीं रहा। और हमें ज़रा 40 मिनट के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ती है, और इस पर मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। मैं यहाँ महफ था, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो एनीवेज हम थे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे। तो कोई भी बंदा, उसको अनपढ़ जाहिल, पढ़ा लिखा, एमए पास, मैट्रिक पास, प्राइमरी पास, हर बंदा नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू किसी डिवाइस को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, अगर आपकी डिवाइस में ये इस चीज़ की एबिलिटी है, इसकी वजह से जो असिस्टेंट है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले असिस्टेंट जो हैं, इनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन भी होता है कि वो थोड़ा सा, वो जो अपने पर्सन होते हैं ना, उनकी थोड़ा सा वॉइस के अंदर भी अब उसके कैपेबिलिटी ला रहे हैं कि आप सिर्फ कमांड्स ना समझो, आप वॉइस को भी आइडेंटिफाई करोगे। यार जो मुझे कमांड देने वाला बंदा है वो कौन है? वही बंदा है जो मतलब घर का मालिक है? कोई भी बंदा उठ के मुझे कह दे कि यार टेम्परेचर डाउन कर दो तो डाउन कर दो, अप कर दो तो अप कर दो। ठीक है, तो अब इसमें ये इंटेलिजेंस भी ला रहे हैं कि वॉइस रिकग्निशन भी करे, और वॉइस रिकग्निशन की बेस पर डिसीजन करे कि जो मुझे कमांड नेचुरल लैंग्वेज में दी जा रही है वो मैंने माननी है या नहीं माननी है। ठीक है, अब नीचे कुछ उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये शेयर की हुई है कि सबसे पहला जो है एप्पल का सीरी है असिस्टेंट, ये उसका निशान है ऊपर, ये जो कुछ रंग से नजर आ रहे हैं, ये 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने कोर्टाना इंट्रोड्यूस करवाया 2014 में। आप में से जो जो लोग विंडोज 10 यूज कर रहे हैं उनको इस बारे में बड़ी शरा उससे वाकफियत होगी। उसके बाद अमेजन ने एलेक्सा 2014 में इंट्रोड्यूस कराया है, वो स्मार्ट स्पीकर की फॉर्म में। ये देख रहे हैं अभी जो काला सा ये डब्बा पड़ा हुआ है, इसमें नीचे वाला हिस्सा स्पीकर है और ऊपर उसके दो लाइट्स लगी हुई है जो कि उसकी प्रोसेसिंग को शो करती है, और यहीं पे कहीं इसके माइक्स भी बिल्ट इन होते हैं और जिनकी मदद से वो सुन के आपकी बात को फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है। ठीक, फिर गूगल असिस्टेंट के लिए ये जो वाइट सा स्पीकर नजर आ रहा है 2016 में आया, ये जनाब ये गूगल वालों की डिवाइस है, ये भी आप घर में खरीद लें, रख लें, फिर अपने घर में मौजूद जितनी स्मार्ट डिवाइसेज है उससे कनेक्ट कर दें, तो फिर ये आपकी कमांड सुनेगा, समझेगा, और समझने के बाद उन डिवाइसेस से अपनी जबान में, टेक्निकल जबान में खुद ही डील कर लेगा। ठीक है, उनको खुद से कंफिगर कर देगा, वो इसकी जिम्मेदारी है, वो कम्प्लेक्सिटी उसने अपने अंदर की हुई है। ठीक है, और जितने भी मेजर वेंडर्स हैं जो IoT डिवाइसेस के, वो अमेजन की और गूगल वाले की तो सपोर्ट जरूर दे रहे होते हैं, बाकियों की भी डिवाइस आना शुरू हो गई। ठीक है, तो सैमसंग ने अभी 2017 में ये इसने भी जंप इन किया इस मैदान में, उसने अपना जो डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला असिस्टेंट है वो बिक्सबी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। और बॉट क्या होते हैं? बॉट एक्चुअली निकला है रोबोट से, तो रोबोट मैं थोड़े से होते हैं जरा मैकेनिकल किस्म के। तो ये जो सॉफ्टवेयर वाले रोबोट होते हैं ना, इनको उन्होंने बॉट का नाम दे दिया। ठीक है, तो बॉट क्या होता है कि बॉट एक कन्वर्सेशन बेस्ड यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, और ये किसी लैंग्वेज पर बेस कर रहा होता है, लाइक वो बॉट है और वो काम कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, तो जाहिर है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके। मैं एक मिनट आपका सवाल लेता हूँ जीशान, वो इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके तो क्या होगा कि वो उसको फिर इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी वर्ड्स दिए जा रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो कन्वर्सेशन जो है किसी भी जनरल कैनवस के ऊपर टेक प्लेस कर सकती है, जिस तरह स्काइप के ऊपर, अगर आपका आगे बॉट है तो वो आपकी स्काइप के ऊपर जो कन्वर्सेशन है उसको अंडरस्टैंड करके आपको रिप्लाई करेगा, टीम के ऊपर, स्लैक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, वॉइस के अंदर जो कोर्टाना, इको, सिरी वगैरह है ये आपको रिप्लाई करते हैं इसी तरह से, और इसी तरह से व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर भी आपके बॉट्स हो सकते हैं। और ये काम कैसे करते हैं, इसकी एग्जांपल वहाँ पे दी हुई है कि ये कह रहा है, ये असल में मेरे ख्याल में जो आपके पास तस्वीर आ रही है थोड़ी सी कटी हुई है, इसमें वो कह रहा होता है कि जी आई नीड हेयर कट। अब उसने अपना असिस्टेंट खोला, उसने कहा कि यार आई नीड हेयर कट, तो असिस्टेंट ने क्या किया, असिस्टेंट को पता है कि आपका बार्बर कौन है, आप किससे बाल कटवाते हैं, वो सीधा उस बार्बर के अकाउंट पे गया और वहां पे जो बार्बर के अकाउंट का बॉट है ना उससे गुफ्तगू शनीद की कि भैया तुम्हारे पास कौन से फ्री टाइम अवेलेबल है कटिंग के लिए, किस किस टाइम आप फ्री हो। तो उसने उसको टाइम बताया कि जी ये जो बार्बर साहब है इनकी इस टाइम में बुकिंग नहीं है, बाकी टाइम में ये इनकी बुकिंग हुई हुई है। ठीक है, तो आपने उसको कहा कि आई वॉन्ट हेयर कट ऑन सैटरडे,
अब जो आप वाला असिस्टेंट है ना, उसने सैटरडे को सामने रख के जो बार्बर का डिजिटल असिस्टेंट होगा उससे कनेक्ट किया इंटरनेट के ऊपर, और उससे कहा कि यार सैटरडे वाले दिन तुम्हारे फ्री टाइमिंग क्या है। तो उसने कहा जी 10, जो उसको 3 टाइम मिले वो उसने ला के आपके सामने डिस्प्ले कर दिए कि उसने कहा जी 10:30, 11:30 मुझे ये 2 टाइम मिले हैं हेयर कट के बार्बर से। तो आपने पढ़ के कहा ओके 10:10:30 इज फाइन, ठीक है। तो अब इसने क्या किया कि इसने जो 10:30 वाली स्लॉट है ना, ये ना सिर्फ ये कि वहां पे बुक भी करवा दी बार्बर के एआई को कह के कि जी आप जो 10:30 वाली स्लॉट है ना वो इन भाई के लिए मख्तस कर दें, ठीक है, ये आएंगे उस दिन आपके पास। और साथ ही आपको बताया, उसने रिप्लाई किया आपके असिस्टेंट ने, ग्रेट डज दिस लुक करेक्ट। तो उसने ये आपके जो कैलेंडर होता है ना, जो लोग कैलेंडर के फ्रेक्वेंट यूजर है उसमें आपको पता है कि वो इवेंट्स आप ऐड कर दें फिर वो उस दिन ये आपको रिमाइंड करवाता है कि जी आज आपने ये काम प्लान किए हुए हैं और आपने करने हैं, उस पर अलार्म सेट कर दें तो आपको उस टाइम पे अलार्म भी करना शुरू कर देगा कि आपने आज के लिए ये वाला काम प्लान किया हुआ है। तो इसने आपके कैलेंडर में ये एंट्री भी डाल दी और आपको दिखा भी रहा है कि मैंने आपके कैलेंडर में एंट्री डाल दी है। तो ये ठीक है भाई कि हेयर कट एट सैलून कॉन्टोसो 13 मई को 10:30 पे, और नीचे उसका एड्रेस लिखा हुआ है वो जो कॉन्टोसो सैलून है जहाँ से आप हमेशा अपने बाल कटवाते हैं, ठीक है। तो ये उसने आपकी बुकिंग भी करवा दी और फिर आपके कैलेंडर में एक्टिविटी भी ऐड कर दी, उधर से बार्बर की भी कैलेंडर में एक्टिविटी ऐड हो गई होगी कि जी मिस्टर एक्स वाई जेड जो है ये हफ्ते वाले दिन 10:30 बजे आपके पास तशरीफ लाएंगे कटिंग करवाने के लिए, ठीक है जी। एक तो सवाल था किसी का, वो आप जिशान प्लीज पूछ लीजिए, मैं देखता हूँ। मैंने आप सबको म्यूट तो नहीं कर दिया, कर दिया है तो मैं आपको आपके माइक का कंट्रोल वापस रिटर्न करूँ। जी जनाब, सवाल है अगर किसी का तो पूछ ले। सवाल किन भाई का था? ओके फाइन, अगर किसी का सवाल हो तो फिर आप मुझे मतलब बता दें इन बिटवीन, तो मैं फिर अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर दूंगा। मुझे लग रहा है जिनका सवाल था वो शायद डिस्करेक्ट हो गया। तो यहाँ तक कोई और चीज, कोई क्वेश्चन कुछ है तो आप प्लीज पूछ लें, अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके फाइन जी, हम आगे बढ़ते हैं। मजीद आई थिंक सो अराउंड 20 स्लाइड या 25 स्लाइड्स टू गो है। अच्छा, अब ये सिनेरियोस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इस तरह के बॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर एक, क्वेश्चन एंड आंसर्स वाले एरिया में, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल को वेबसाइट है उसका कोई हेल्प सेक्शन है तो वहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर उनको दिए जाते हैं वेबसाइट के मुताबिक। तो अक्सर लोग एक ही तरह का क्वेश्चन कर रहे होते हैं बार बार, अब वो ये नहीं करते कि वो जो ऑलरेडी जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं और उनके रिप्लाई दिए हुए वो जाके पढ़ लें। हर बंदा जाता है और सीधा कॉन्टेक्ट एस में जाके पूछ लेता है कि जी मुझे ये बताएं। अब उन्होंने इस तरह के कामों के लिए बॉट को भी यूज कर सकते हैं कि बजाय फैक का आपने बनाया हुआ है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए आपने, लेकिन लोग अगर उनको यूज नहीं कर रहे और बार बार आपको ही पिंग कर रहे हैं तो आप क्या करें कि एक चैटबॉट वहां पे लगा दें और उसको उन फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बता दें और उससे कहें कि यार इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने उसका ये वाला रिप्लाई भिजवा देना है। अब क्या होगा कि अब पहले होता था कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था उसमें फिर आपका जो वेब मास्टर है उसको रिप्लाई करना पड़ता था, ठीक है, वो वेब मास्टर रिप्लाई करता था। तो अब उसकी जगह क्या कर दिया आपने कि आपने वहां पे वो चैटबॉट लगा दिया। अब जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं वो चैटबॉट उनको पहले प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके देखता है कि यार ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में से तो कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके आंसर मुझे ऑलरेडी पता है। अगर उसको लगता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बाद इसने उसी तरह का क्वेश्चन पूछा है तो वो क्या करता है कि उसका जो रटा रटा है उसके पास डिफॉल्ट सेव्ड जवाब पड़ा हुआ है वो उठा के उस बंदे को दे देता है। और अगर सवाल इससे हटके हो तो फिर वो सवाल जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है किसको, जो पीछे वेब मास्टर बैठा हुआ है कि जी किसी यूजर ने कोई नया क्वेश्चन पूछा है तो उसका रिप्लाई है। फिर इसी तरह से ऑटोमेटेड हेल्प डेस्क आप बना सकते हैं, ठीक है, जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं उनके जो हेल्प डेस्क बने हुए हैं कि आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया आप उसमें कोई मसला आ रहा है यूज करते हुए तो आप कॉल करके उसकी हेल्प लेते हैं। तो वही वाली बात आ गई कि अक्सर लोगों को एक ही तरह के मसले आ रहे होते हैं शुरू शुरू में, तो उसके लिए उन्होंने आगे चैटबॉट्स या हेल्प डेस्क के ऊपर वो बॉट्स बिठा दिए होते हैं, वो
वो बॉट्स आपकी बात सुनते हैं और ह्यूमन वॉइस में आपको रिप्लाई करते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि वो आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू आपके सवाल का आइडिया लगाते हैं और आपको अकॉर्डिंगली जो उनकी तरफ से सोल्यूशंस बने हुए होते हैं उनको बोल के बताते हैं। आपको फील नहीं होता ह्यूमन वॉइस में कि यार कोई पीछे कोई चैटबॉट बैठा हुआ है, आप ये समझते हैं कि असल में बंदा मुझसे बात कर रहा है। और क्या होता है कि अगर आपका सवाल ज्यादा कम्प्लेक्स हो और वो जो चैटबॉट है वो समझे कि इसका आंसर मेरे पास नहीं है, तो वो उसको इंटेलिजेंटली पीछे बंदे को ट्रांसफर कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता कि यार ये पहले मेरे से जो पहले 4 सवाल जवाब या जो पहली 1 मिनट 2 मिनट की कन्वर्सेशन हुई है वो किसी रोबोट से हो रही थी, चैटबोट से हो रही थी, और अब इसके ऊपर कोई पीछे एक्चुअल ह्यूमन आ गया कि जब बॉट ने देखा कि इसके सवालों को मैं हैंडल ही कर रहा या मेरी जो मेमोरी में जो सवाल मौजूद हैं उनमें से इसने कोई सवाल नहीं पूछा जिनके जवाब मुझे पता है, तो वो फिर पीछे जिस बंदे की आवाज़ में वो बॉट बात कर रहा होता है ठीक है उसी बंदे को ट्रांसफर कर देता है। तो वॉइस की वजह से भी आपको फील भी नहीं होता कि यार ये कोई और बंदा आ गया और पहले कोई बॉट था। इसी तरह आप टास्क ऑटोमेशन करवा सकते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग के अंदर आप इस बॉट को यूज कर सकते हैं, फिर असिस्टेंस एंड मॉनिटरिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं कि आपने अपना जिस तरह वो जो भी एग्जांपल हमने पिछली स्लाइड में देखी थी कि वो बंदा कहता है हाँ भाई मैंने हेयर कट करवा रहा है सैटरडे को, तो उसके असिस्टेंट ने खुद से ही पता किया बार्बर से कि भाई कौन सा टाइम अवेलेबल है, फिर आपसे पूछा कि यार ये टाइम अवेलेबल है कौन सा बुक करवाना है, आपने कहा जी ये वाला टाइम बुक करा लूँ, तो उसने बार्बर के पास बुकिंग भी करवा दी ऑटोमेटिक और आपको भी बता दिया कि जी मैंने ये वाला टाइम बुक करा दिया और आपने इस दिन इस जगह पे जाना है ठीक है। इसी तरह फिर एक्सपर्ट सिस्टम जो है उसके अंदर बॉट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, बॉट्स की कुछ एग्जाम्पल सामने आपके दी हुई है ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा। अब हम देख रहे हैं वसीम आपने शायद अभी ज्वाइन किया, आपका सवाल तो नहीं था कोई अभी, किसी ने सवाल पूछा था लेकिन जब मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए ब्रेक ली तो वो साहब शायद छोड़ के जा चुके थे, तो अगर किसी का सवाल हो तो वो काइंडली अपना हैंड रेज कर दीजिएगा देन फिर मैं, और ये हैंड रेज आपने बैठे बैठे नहीं करना फिजिकली बल्कि इस हमारे सेशन में ये ऑप्शन है कि आप हैंड रेज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट चैट ऑप्शन, तो वो आप कर दीजिएगा मुझे इंटीमेशन आ जाएगा और फिर मैं आपसे पूछ लूंगा ठीक है। तो बर्रा क्वेश्चन आंसर जो है फिर हम जनरली जो क्वेश्चन आंसर है वो हम एंड ऑफ द सेशन लेंगे। फिर जनाब आगे आ जाता है एम्बेडेड डिवाइसेस विद डायलॉग कैपेबिलिटीज, कि वो डिवाइसेस जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो आपके साथ गुफ्तगू कर सके बकायदा, एक हो गया कि कमांड सुन ली और अमल कर दिया और एक आ गया आपके जो आपके साथ बकायदा कोई कन्वर्सेट भी करते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन डिवाइस जो भी बड़ी टॉप में जा रही है वो अमेजन का इको, अब खैर गूगल ने उसको बाईपास करना शुरू कर दिया। ये एक होम असिस्टेंट डिवाइस है, इसकी कैपेबिलिटीज थी कि ये म्यूजिक प्ले कर सकती है आपकी बातें सुनकर, बातें सुनने से मुराद वो नहीं है कि आपने इसको बातें सुनाई और आगे से उसने वो म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि आप उसको कमांड दें वॉइस की फॉर्म में कि प्ले फॉलोइंग सॉन्ग मतलब प्ले एक्स वाई जेड सॉन्ग, तो वो एक्स वाई जेड सॉन्ग प्ले कर देगा, इसके अंदर स्पीकर भी लगा है तो जाहिर है उसमें से आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स को सपोर्ट करता है कि आप उससे पूछें लाइक व्हाट इज द टाइम, तो वो आपको टाइम बता देगा। फिर अगर आपने उसको घर के अंदर कैमरेज लगे हुए हैं और उनके साथ भी कनेक्ट किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको इवन ये भी कह सकते हैं कि यार आप उसे कहें हाउ मैनी स्पून आर इन अ कप, अब वो कैमरे के अंदर व्यू आ रहा है उससे वो आइडिया लगाएगा कि कप का है, तो वो कप आइडेंटिफाई करेगा, फिर पहले तो शायद आपको आइडेंटिफाई करे, फिर आपके मुंह के आगे जो कप पड़ा हुआ है उसको फोकस करे, जूम करे और जूम करने के बाद देखिए उस पर स्पून नुमा चीजें कितनी पड़ी हुई हैं और उनको फिर वो काउंट करे और काउंट करके आपको रिप्लाई कर दे कि देर आर वन स्पून, देर इज वन स्पून इन द कप ठीक फॉर एग्जाम्पल। और इसी तरह फिर टाइमर सेट कर सकते हैं आप कहें जनाब के रिमाइंड मी आफ्टर 10 मिनट्स, तो वो अपने पास टाइमर सेट कर लेगा, 10 मिनट के बाद आपको आवाज देगा कि जी 10 मिनट्स हैज पास्ड। और इसी तरह फिर टू डू लिस्ट मैनेज कर सकते हैं और आपको बता सकता है कि आप कह दें कि जनाब लाइक आई वॉन्ट टू लाइक आई वॉन्ट टू वॉश क्लॉथ एट 10 PM, तो वो अपने पास स्टोर कर लेगा और 10 बजे वो आपको कहेगा कि जनाब यू हैव टू वॉश योर क्लॉथ ठीक है, या यू डिजायर या यू टेल मी टू रिमाइंड यू एट ऑफ वॉशिंग क्लॉथ एट 10 PM फॉर एग्जाम्पल ठीक है। इस तरह की जो भी उसकी वो होगी कमांड वगैरह या कन्वर्सेशन होगी उस फॉर्म में वो आपको रिप्लाई कर देगा कि भाई आपने मुझे ये कहा था कि याद करा दूँ तो मैं आपको याद करा रहा हूँ ठीक है। तो ये इसी तरह की और एक एम्बेडेड डिवाइस दिखाई है कि एक वॉइस एक्टिवेटेड स्मार्ट क्लॉक है
जो कि इस वक्त जो स्क्रीन में नजर आ रही है ये $200 की थी और आईवी ई कंपनी की। तो ये क्या कर सकती थी, ये क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकती थी, ये टाइम सेट कर सकती थी, वैसे कहीं सेट द टाइम या सेट द अलार्म एट 4 o'clock AM, तो वो 4 बजे का अलार्म लगा देगी आपकी बात सुन के। फिर उसके बाद डिवाइस को आप इंटॉल कर सकते हैं कि लाइक इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द स्क्रीन, तो वो जरा स्क्रीन को थोड़ा, या मेक द स्क्रीन ब्राइट तो स्क्रीन को थोड़ा और ब्राइट कर देगी, या मेक द स्क्रीन डार्क तो स्क्रीन को थोड़ा सा डार्क फॉर्म में ले जाएगी, वो जो एलसीडी की सेटिंग होती है बैकलाइट की। ठीक है, इसके बाद इसमें आप थर्मोस्टेट भी कंट्रोल कर सकते हैं, वही वाली बात के यार आप अपने कमरे का टेम्परेचर वगैरह को सेट करना चाह रहे हैं, तो जो एसी है वो फिर इस डिवाइस के थ्रू आपके साथ वॉइस कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा डायलॉग या उनसे बातचीत करना तो मुश्किल काम नहीं है बॉट के साथ, ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह कि आप एप्स पे काम कर रहे होते हैं, एप्स पे मोबाइल की ऐप जो है आप यूज कर रहे होते हैं। सारी ट्रेडिशनल ऐप देखिए दी हुई है ब्लू कलर में और पर्पल में दी हुई है बॉट्स। ट्रेडिशनल ऐप में क्या होता है, आप जब ऐप खोलते हैं तो आपके सामने एक मेन स्क्रीन आती है। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दराज की या किसी भी ऑनलाइन स्टोर की। आप क्या करते हैं, जब आप दराज की ऐप खोलते हैं तो आपके सामने मेन स्क्रीन आती है, मेन स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं चीज़ों के कि यार ये चीज़ भी बिक रही है इतने की है, ये चीज़ बिक रही है इतने की है, आप उसमें से कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं ऐड टू कार्ट, तो अब आपके सामने ऑर्डर स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, ऑर्डर स्क्रीन में आपको बता रहा होता है कि यार आपके कार्ट में इस वक्त एक चीज़ है, इसकी प्राइस इतनी है, इसकी क्वान्टिटी इतनी है, इसके शिपिंग चार्जेस इतने हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, और अगर आप चाहें कि नहीं यार मुझे कुछ और भी चीज़ें लेनी है या मैं कुछ सर्च करना चाह रहा हूँ, तो आप प्रोडक्ट सर्च स्क्रीन पे चले जाते हैं। वो सर्च स्क्रीन पे जाते हैं तो आपके सामने इस गूगल का सर्च का वो डब्बा सा बना होता है, उस तरह डब्बा बन जाता है, आप उसमें अपनी जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आप सर्च करना चाह रहे हैं वो आप लिखें। लाइक आप लिखें लेविस जीन्स, तो वो सर्च करके दराज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आप दराज पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे दराज डॉट कॉम पे जितनी भी जगह पे लेविस जीन बिक रही है वो लिस्ट्स आपके सामने ला के रख देगा कि जी फॉर एग्जाम्पल XYZ जीन्स मेकर जो है वो लिविस की जीन बेच रहा है, ये वाली और इतने की बेच रहा है, फला इतने की बेच रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब बॉट इसी तरह से काम करते हैं, जब आप बॉट के साथ कनेक्ट होते हैं तो बॉट आपसे, जिस तरह उसमें हमारे पास मेन स्क्रीन होती थी, इसमें इसका रूट डायलॉग होता है। रूट डायलॉग क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू, हाउ मे आई हेल्प यू, इस तरह का ना, मतलब एक बेसिक आपको ग्रीट भी करेगा और साथ आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जैसे मेन स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ऑप्शन आते हैं उस तरह से ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा ग्रीट करके। ठीक है, फिर आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर दराजी का चैट बोट है तो आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू परचेज समथिंग, जब उसने ये चीज सुन के प्रोसेस की तो उसको समझ आ गई कि आप यार कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो उसने आपको ना ऑर्डर फॉर्म आपके सामने ले आया। ठीक है, अब आप उसमें कुछ सर्च करेंगे जाहिर है, तो आप कहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर रेडमी नोट 8, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल आप सैमसंग गैलेक्सी लेना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं आई एम लुकिंग फॉर सैमसंग गैलेक्सी S6 फॉर एग्जाम्पल। तो अब वो जो बॉट है वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा कि यार ये भाई जो है ना ये सैमसंग गैलेक्सी फोन लेना चाह रहे हैं, वो क्या करेगा कि वो सर्च करेगा दराज के ऊपर, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी, और जितने भी उसको सैमसंग गैलेक्सीज के सेलर्स मिलेंगे उन सब की लिस्ट आपके सामने शो कर देगा कि जी मिस्टर ए जो हैं वो सैमसंग गैलेक्सी S6 इतने हज़ार का दे रहे हैं और ये इतने का दे रहे हैं और ये इतने का दे रहे हैं। तो ये सेम उसी तरह से काम कर रहा होगा जिस तरह से आपकी वो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन मोबाइल की काम कर रही होती है। फर्क सिर्फ क्या होगा कि ट्रेडिशनल मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप स्क्रीन के ऊपर टच टच क्लिक क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं जो अपने सर्च मारना होता है, और बॉट क्या कर रहा होगा, बॉट से आपकी सारी सलाम दुआ जबान से हो रही होगी, वर्ड्स की फॉर्म में, स्पोकन वर्ड्स की फॉर्म में हो रही होगी। तो आप उसको कहेंगे कि आई वॉन्ट टू परचेज समथिंग, वो आपके सामने परचेज फॉर्म ले आएगा, आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर गैलेक्सी S6, तो वो सर्च करेगा गैलेक्सी S6 बैकएंड पे और जितने भी गैलेक्सी S6 उस ऐप पे बिक रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप कहते हैं जी सेलेक्ट द थर्ड वन, तो क्या करेगा वो जो लिस्ट में तीसरे नंबर पे है ना उसको सेलेक्ट करके कर लेगा। ठीक है, इसी तरह फिर आप कहेंगे जी पे यूजिंग माई क्रेडिट कार्ड, तो वो समझ जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं, वो कहेगा ओके, मतलब आपके सामने आज वो आपको कहेगा कि जी प्लीज टेल मी योर क्रेडिट कार्ड नंबर, वो आप नंबर मुंह से बोलेंगे जी 1525353545 5 5 फॉर एग्जाम्पल, तो वो अपने पास एंटर कर लेगा कि ये
क्रेडिट कार्ड नंबर है, फिर वो नेक्स्ट आपसे पूछेगा ओके टेल मी योर सीवीवी, तो वो आप उसको सीवीवी कोड बताएंगे कि फॉर एग्जाम्पल माई सीवीवी कोड इज 50 50 50 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो आगे सीवीवी कोड 50 50 50 एंटर करके पेमेंट गेटवे से कनेक्ट करेगा और उसको वो शनाख्ती कार्ड वो सॉरी क्रेडिट कार्ड नंबर और वो जो सीवीवी है वो प्रोवाइड करेगा। अगर वो पेमेंट सक्सेसफुल होती है तो आपको बता देगा कि ओके योर ऑर्डर हैज बीन पेड, प्लीज टेल मी योर होम एड्रेस या डिलीवरी एड्रेस, तो आप उसे कहते हैं ओके डिलीवर इट टू माई होम एड्रेस, तो अगर ऑलरेडी होम एड्रेस उसके पास सेव हुआ है तो आपको होम एड्रेस पे फॉरवर्ड करेगा, अगर सेव नहीं हुआ तो आपसे पूछेगा कि प्लीज व्हाट इज योर होम एड्रेस, तो आप उसको बताएंगे जी हाउस नंबर 8 10 स्ट्रीट नंबर 10 DH 8 इस्लामाबाद, तो वो सुन के इस बात को टाइप करके एड्रेस को आगे भिजवा देगा उस सेलर के पास कि जी आपने ये जो सैमसंग गैलेक्सी है इसको आपने इस एड्रेस पे भिजवाना है। तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि वहां पे आप क्लिक 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 कर रहे होते हैं उंगली से या माउस से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर के ऊपर हैं, इसमें आप मुंह से सारी बातें कहकर यही पहले काम करवा रहे होंगे, ठीक है। और ये गूगल असिस्टेंट है, ये इस तरह की आपको ग्रीट करता है कि यार हाउ कैन आई हेल्प यू, गूगल असिस्टेंट के निशान से बने होते हैं ये, ऐसे ना एक रिदम में ना मूव कर रहे होते हैं जो 4 लाइन ही नीचे जब आप गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करते हैं ओके गूगल कह के, और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते रहते हैं। अच्छा ये बता रहे हैं कि गूगल होम और गूगल असिस्टेंट की जो डिवाइस कंपैटिबिलिटी है काफ़ी इंप्रूव करती जा रही है, और ये भी अभी तकरीबन 1 साल पुरानी फिगर है जिसके अंदर आपके मोबाइल्स, आपके स्मार्ट डिवाइसेस, आपके स्मार्ट वॉचेस, आपकी स्मार्ट टीवीज और आपकी स्मार्ट व्हीकल्स, ये सारी गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो आपके होम ऑटोमेशन सिस्टम भी गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप कोई डिवाइस खरीदे, आपने एक बार गूगल असिस्टेंट खरीद लिया, ठीक है, उसके बाद आप घर में कोई भी स्मार्ट डिवाइस खरीदें, घर लाएं और उसको गूगल असिस्टेंट के साथ कॉन्फ़िगर करवा दें एक बार, उसके बाद आप जाने और गूगल असिस्टेंट जाने, आपने सारी कन्वर्सेशन कमांडे जो हुक्म शुक्म चलाना है वो आपने गूगल असिस्टेंट पे चलाना है, और गूगल असिस्टेंट फिर बैक एंड पे उन डिवाइसेस से टेक्निकली कनेक्ट होकर उनसे वो काम करवा लेगा जो कि आप इंग्लिश में गूगल असिस्टेंट को कहते चले जाएंगे, ठीक है। और इवन गूगल असिस्टेंट की अब जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और गूगल इस वाले से बड़ी हार्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये जो थर्ड पार्टी हार्डवेयर है उसके अंदर गूगल अपनी जो गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट है वो देने के लिए पूरा जोर पैसा और सारा कुछ लगा रहा है, और अब आपके पास मार्केट में स्पीकर्स, अप्लाइंसेस, कैमरास और बहुत सी डिवाइसेस जो है वो सारी आना शुरू हो गई हैं जिनके अंदर बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट दी हुई होती है, और ये आईफोन पे भी इवन अवेलेबल है, ठीक है। और अब तो गूगल इससे आगे बढ़ रहा है, गूगल की एक एप्लीकेशन है गूगल लेंस, अगर आपने यूज की है, नहीं की तो आप कल क्विज के बाद जरूर यूज करके एक बार टेस्ट कीजिएगा। अभी क्या करता है गूगल लेंस, जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने में कैमरा खुल जाता है, जिस तरह आप कैमरा खोलते हैं ना तो आपको सामने की चीजें नजर आना शुरू होती है, फिर आप बटन दबाते हैं तो तस्वीर खिंच जाती है, इस तरह से ना गूगल लेंस भी कैमरा फॉर्म खोल लेता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि आप जिस चीज के ऊपर आपका कैमरा फोकस कर रहा होता है ना, गूगल उसको सेंस करके ना उसके बारे में डेटा आपको दिखाना शुरू कर देता है, बताना शुरू कर देता है कि ये चीज ये है, ये चीज ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वो गूगल लेंस खोला और खोलने के बाद आपने आगे क्या किया कि आपने देखा कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक टीवी है, स्मार्ट टीवी सैमसंग का, तो जब आप उसको फोकस में लेके आएंगे ना तो गूगल असिस्टेंट उस तस्वीर में सर्च करेगा, उसको आइडिया सेंस करेगा कि अच्छा ये कोई टीवी है, और फिर वो उसका मेक एंड मॉडल देखेगा तो उसको आइडिया होगा कि अच्छा इस पे सैमसंग लिखा हुआ है, सैमसंग का टीवी है, तो फौरन आपको सैमसंग की टीवी के बारे में बता देगा कि जी ये चीज सैमसंग का टीवी है, और फिर आपको 3 4 लिंक दे देगा कि अच्छा ये सैमसंग का टीवी तो है, तो आप क्या चाहते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल चाह रहे हैं कि मैं इसके सर्विस सेंटर की जो वेबसाइट है उस पर ले जाऊँ, या आप इसकी स्पेक्स देखना चाह रहे हैं इस मॉडल की, तो आप इस पे क्लिक करें तो मैं आपको स्पेक्स वाले पेज पे ले जाऊं, वगैरह वगैरह, ठीक है, इसमें के सारे ऑप्शन दिखाई पड़ता है। तो ये क्या हो रहा है, ये कैमरा की आसपास की एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने की तरफ एक कदम है कि जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू मोबाइल कैमरा सराउंडिंग को देखता है तो उसके अंदर चीजें हैं उनको सेंस करे, आइडेंटिफाई करे और अपने अंदर सराउंडिंग इंटेलिजेंस क्रिएट करे कि मेरे आसपास क्या कुछ है, ठीक है। अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है,
और इसमें सर दया ने हमारे शुरू के लेक्चर में अनाउंस किया था कि हम लोग यहाँ आईओटी के लिए गूगल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसकी कंपैटिबिलिटी लेकर आएंगे। अब ये कंपैटिबिलिटी कैसे मिला सकते हैं, ये जनाब developers.google.com/actions, अगर आप इस वेबसाइट पर जाएं तो ये वो वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प आउट करती है कि आपने कैसे अपने डिवाइस के अंदर गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट पैदा करनी है, ठीक है। और ऑलरेडी दुनिया में 500 मिलियन की से ज़्यादा डिवाइसेज हैं जिनके अंदर स्मार्ट स्पीकर हैं, फोन्स हैं, कार्स हैं, स्मार्ट टीवीज हैं, हेडफोन्स हैं, वॉचेज हैं, बहुत कुछ है जो कि गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट अपने अंदर दे रहे होते हैं बिल्ट इन। तो आप वो बस डिवाइस खरीदें, घर लाएं, उसको गूगल असिस्टेंट के साथ कनेक्ट करें और बस फिर आप गूगल असिस्टेंट जाने और आप जाने, आप उसको जो कमांड कहेंगे ना गूगल असिस्टेंट को, वो अकॉर्डिंगली उस डिवाइस के ऊपर कॉन्फिगर कर देगा आपको, ठीक है। और इस तरह से हम गूगल असिस्टेंट को यूज करते हुए, तो अब क्या होता है कि हम वो जो नेचुरल लैंग्वेजेस की प्रोसेसिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं ना, उनसे हम निकल जाते हैं, वो गूगल जाने और गूगल का काम जाने। गूगल हमें इंटरफेस दे रहा है कि बस ये आपको जो भी बात कहनी है मेरे असिस्टेंट को कह दिया करो, बाकी वो आगे खुद ही डिवाइसेस से कैसे बात करनी है, क्या कमांड देनी है, ये सारी चीजें वो खुद से मैनेज कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो वीओआई बनाने में, जिस तरह गूगल असिस्टेंट ने बनाई और बना रहे होते हैं, आप भी अगर कोई बनाना चाह रहे हैं अपनी लोकल, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने परसोना बनाना होता है, अपने जो एंड यूजर है जिसने आपको कमांड्स देनी है, आपकी डिवाइस को कमांड्स देनी है, उसका परसोना डेवलप होना चाहिए कि वो कौन सी बात किस पैराए में अदा करते हैं। आपने वो पीके देखी होगी, तो पीके में वो कहता है कि यार ये जो इनकी लैंग्वेज है ये बड़ी कम्प्लेक्स लैंग्वेज है, कि अगर वो हम ऐसे कहें तो उसका मतलब कुछ और होता है, हम कहें तो उसका मतलब कुछ और होता है, आहिस्ता से कहें तो उसका मतलब उसी लफ्ज का मतलब कुछ और होता है, तेजी से कहें तो उसका मतलब कुछ और होता है, लंबा करके कहें तो कुछ और मतलब होता है, छोटा हम कहें तो उसका मतलब कुछ और होता है। तो इसी तरह से वो पर्सोना बनता है जो कि एंड यूजर का कॉन्टेक्स्ट देखता है कि यार ये कौन सा लफ्ज किस मायनों में यूज करता है। और अक्सर ये होता है कि शुरू में जब आप गूगल असिस्टेंट या इस तरह की कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज यूज करते हैं ना, तो शुरू शुरू में थोड़ी सी गलतियां ज्यादा हो रही होती हैं, क्योंकि उस वक्त तक उस डिवाइस को आपके पर्सोना के बारे में कुछ पता नहीं होता कि आप किस चीज़ के किस तरह से लेते हैं। देन वो अपनी गलतियों से लर्न करता रहता है कि अच्छा यार ये बंदा इस चीज़ को इस तरह से या इन अल्फाज को यूज करते हुए अदा करता है। तो फिर क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 2-3 माह गुजरने के बाद का वो गलतियां बड़ी निग्लिजिबल सी रह जाती है, ऑलमोस्ट जीरो के करीब पहुंच जाती है। रीजन कि वो आपको अच्छी तरह जान चुका होता है गूगल असिस्टेंट, और अब वो आप जिस तरह की भी बात करें वो आपके अंदर छुपे हुए उन अल्फाज के अंदर मायने को पहचान लेता है, एक्चुअली बंदा ये काम करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो उसके मुताबिक कमांड्स इशू करना शुरू कर देता है, टेक्निकल कमांड। फिर उसके बाद सेकंड चीज आती देखी जाती है कॉन्टेक्स्ट, जब आप एक्शन परफॉर्म होना होता है ना उसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है। मैंने यहाँ पिछली स्लाइड में एक एग्जाम्पल दी हुई थी कि उन्होंने कहा था कि आप सवालात भी पूछ सकते हैं, जैसा कि हाउ मेनी स्पून्स आर इन द कप। अब गूगल असिस्टेंट क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि यूजर है किधर, तो वो सबसे पहले कैमरा की मदद से यूजर को सर्च करेगा पूरे घर में, उसको पता चल जाएगा कि जो यूजर है वो इस वक्त डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा हुआ है दो बंदों के साथ। अच्छा, अब वो कहेगा कि ओके यार ये बंदा बैठा हुआ है टेबल पे, तो देखो टेबल पे कोई कप है, अगर तो एक ही कप है तो मसला खत्म हो गया। वो उस कप को थोड़ा सा जूम करेगा उसके कैमरे से जो आपके घरों में लगे हुए, और फिर जूम करने के बाद कप के ऊपर फोकस करेगा, और कप के अंदर स्पून से की शक्ल से मिलती जुलती जितनी भी डिवाइसेस कह लें छवि आ रही होंगी इमेज के अंदर, उनको वो काउंट कर लेगा और आपको बता देगा कि देयर आर 2 स्पून इन द कप। सपोज अगर मेज पे 4 कप पड़े हुए या 3 कप पड़े, 3 बंदे बैठे हैं और तीन तीन ही कप बने हुए, अब वो वॉइस से आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो बात पूछी थी इन तीनों में से किसने पूछी थी, उसको चल लेगा कि यार ये जो इस घर के मालिक साहब हैं मिस्टर एक्स, उन्होंने पूछी थी ये वाली बात। तो अब वो गूगल असिस्टेंट कहेगा ओके फाइन, अब ये जो इस साहब के आगे कप पड़ा हुआ है ना उसमें देखो कि यार ये कितने चम्मच पड़े हैं, क्योंकि उसने पूछा है तो जाहिर है वो अपने कप के बारे में पूछ रहा होगा जो उसके मुंह के आगे पड़ा हुआ है। तो जो इन टेबल के ऊपर जो 4 कप पड़े हुए, इनमें से वो कप जो जिस बंदे ने क्वेश्चन पूछा है उसके सामने पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर से चेक करो कि कितने स्पून है, उनको काउंट करो और देन मुझे बताओ। तो अब वो कैमरा के अंदर से इमेज प्रोसेसिंग होगी, इनकी कैमरा इमेज देगा, गूगल असिस्टेंट उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वहां से काउंट करेगा, और काउंट करने के बाद वॉइस से आपको रिप्लाई करेगा कि देयर आर
टू स्पून्स इन द कप, और वो कप जाहिर है किसमें बात हो रही होगी, जो उस बंदे के मुंह के आगे पड़ा हुआ उस बंदे की बात हो रही है। और तीसरी बात ये, अगर किसी वजह से उसको समझ नहीं आती, गूगल असिस्टेंट को समझ नहीं आती कि आपने क्या सवाल पूछे, ऐसी सूरत हाल में एक तो तरीका ये है कि जी एरर कह दे आपको, या फॉर एग्जाम्पल वो कह दे कि जी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ये इसमें ना आपने कभी भी अपने उस यूआई वीयूआई डिजाइन में नेगेटिव बात नहीं कहनी होती, आपने उसको भी थोड़ा सा कम मतलब लपेट के कहना है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि सर वुड यू लाइक टू ट्राई द ऑप्शन ए एंड बी एंड सी, ठीक है, या सर आर यू टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ठीक है। अगर आप मतलब एआई को, अगर वो चैट बोट को, अगर वो असिस्टेंट को, अगर वो कमांड नहीं समझ आई, तो उसको बड़े पोलाइट मैनर में थोड़ा सा चेंज करके यूजर से पूछता है, बजाय इसके कि डायरेक्टली नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हुए उसको बता दे कि जी मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आई। उससे क्या होगा, यूजर इरिटेट होते हैं, 3 4 5 बार ये वाला एरर आया तो उसने उठा के बाहर मारना है कि यार ये तो मेरी कोई बात नहीं समझता। वो यही सोचेगा कि जी इस 3 4 बातों के ना समझने के अलावा उसने 1000 और बातें समझ भी ली थी सक्सेसफुली, और आपको काम भी करके दे दिया था, लेकिन बस यूजर के दिल में बात पड़ी होगी कि मैं तो उसको जब भी कोई काम कहता हूँ तो आगे से एरर देता है कि जी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो यार ये ऐसा असिस्टेंट देनी चाहिए। तो इस वजह से वो फिर थोड़ा सा इनकैप्सुलेट करके, थोड़ा सा डाइवर्ट करके, अगर कोई चीज़ ना भी समझ आ रही हो या कोई एरर अगर हो जाए, आपकी कमांड सही तरह से ना समझ आए, तब भी उसको थोड़ा सा गोल मोल करके इनकैप्सुलेट करके यूजर से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछता है, ताकि यूजर को थोड़ा सा वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आना है वो ना आए। ठीक है जी, तो जनाब ये है दोबारा से वो तस्वीर आ गई गूगल असिस्टेंट की। इस तरह का गूगल असिस्टेंट होता है, अगर अपने मोबाइल में खोलें तो बिल्कुल इस तरह के आपके सामने ये 4 कलर्स आएंगे। अच्छा, अब हमारा टाइम होने वाला है फिर से ख़त्म, 40 मिनट का, और हमारी कुछ आखिरी स्लाइड्स हैं तकरीबन 10 के करीब, जिसके अंदर हम थोड़ा सा आप देखेंगे कि हमने अपने इस कोर्स में क्या क्या हार्डवेयर वगैरह यूज़ करना है, ठीक है, जिस तरह वो जो माइक्रो कंट्रोलर वगैरह था ये वो। तो अब मैं यहाँ पे इस वाले सेशन को फिर से एंड कर रहा हूँ, वरना इसने हमें बगैर बताए एंड हो जाना है। तो अभी मैं इसको एंड करके 1 2 मिनट में दोबारा वहाँ पे लिंक शेयर करके इसको स्टार्ट करता हूँ, आप लोग इसको ज्वाइन कीजिएगा, और देन फिर हम ये आखिरी जो 10 स्लाइड्स हैं इनको देख के इंशाल्लाह 9:30 तक अपने सेशन का एंड करेंगे। मुझे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम।